और इस बीच बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। उमेश पाल का शव घर पहुंच गया है, पोस्टमार्टम के बाद घर लाया गया है शव। धूमनगंज में उमेश पाल के घर के बाहर कड़ी सुरक्षा है। पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा भी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं उमेश के घर पर। आरएएफ और पुलिस फोर्स तैनात है। कल उमेश पाल की ताबड़तोड़ गोलीबारी के साथ हत्या हुई थी, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और चूंकि वहां पर गम भी है और गुस्सा भी, ऐसे में पुलिस प्रशासन बेहद अलर्ट है। बड़ी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया है और उमेश पाल का जो पार्थिव शरीर है पोस्टमार्टम के बाद उनके घर लाया गया है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और जो शव वाहन आया इसके आगे पीछे पुलिस की बड़ी सुरक्षा थी, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला संवेदनशील है उसके मद्देनजर प्रशासन अब फिलहाल कोई चूक नहीं करना चाहता है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उमेश पाल के शव का पोस्टमार्टम हो गया है और उनके पार्थिव शरीर को घर लाया गया। यही वो गली है कल जहां पर उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी और दिन दहाड़े हत्या की गई थी। मामला गरमाया हुआ है, कानून व्यवस्था का है, लेकिन इन सबके बीच भारी पुलिस सुरक्षा के बीच उनके शव को उनके आवास पर लाया गया है और बड़ी संख्या में वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था ना बिगड़ जाए, क्योंकि लोगों में दुख भी है और गुस्सा भी है और कानून व्यवस्था को लेकर जो तमाम बातें हो रही हैं ऐसे में कोई इस संवेदनशील स्थिति का फायदा ना उठा सके, इसलिए यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो एबीपी गंगा पर ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, उमेश पाल का जो शव है वो पोस्टमार्टम के बाद उनके घर लाया गया है। पुलिस कमिश्नर काफ़ी देर पहले ही पहुँच गए थे उमेश पाल के घर पर। और मोहम्मद मोइन हमारे साथ बने हुए हैं प्रयागराज से। मोहम्मद मोइन, ये बताएं कि जिस तरीके से पार्थिव शरीर लाया गया है अंतिम संस्कार कब होगा और फिलहाल क्या वहां पर बातचीत हो रही है घर वालों से, क्योंकि गम तो है लेकिन गुस्सा भी उतना ही है। देखिए उमेश पाल का शव का पोस्टमार्टम करने के बाद उसे अब से 10 मिनट पहले करीब जो है यहाँ पर लाया गया था। ये उमेश गली जो देख रहे हैं आप हमारे दाहिनी तरफ, इसी गली में उमेश पाल का घर है। तो पार्थिव शरीर 5 मिनट के लिए उनके घर पर रखा गया था। जो परिवार के सदस्य हैं, जो महिलाएं हैं, जो बाकी लोग हैं, उन्होंने घर के अंदर जो है पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए, नम आँखों के बीच विदाई दी और उसके बाद शव वाहन के जरिए जो है उसे दारागंज घाट पर भेज दिया गया है। दारागंज घाट पर ही दाह संस्कार होना है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी जो है हालांकि बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच गए हैं दारागंज घाट पर ताकि अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें, लेकिन आप देखिए कि यहां पर अभी भी सैकड़ों की भीड़ मौजूद है। हर आंखें नम हैं, लोग गुस्से में हैं, लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और लोग सवाल यही पूछ रहे हैं पुलिस कमिश्नर से, जो पुलिस के बाकी अधिकारी हैं, कि आखिरकार वारदात को हुए तकरीबन 24 घंटे का वक्त हो चुका है, जो हमलावर हैं उनकी गिरफ्तारी कब की जाएगी, ये सवाल लोग जानना चाहते हैं, ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। कि अभी भी ये जो पूरा का पूरा इलाका है छावनी में तब्दील है। पुलिस और पीएससी के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है और जिस वक्त जो है उमेश पाल का पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया गया था, ये जो रोड है इस रोड को ब्लॉक कर दिया गया था, ट्रैफिक बंद कर दिया गया था ताकि जो प्रशासन के लोग थे वो ये चाहते थे कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर अंतिम दर्शन कराने के बाद जो शव है उसे वापस घाट पर भेजा जा सके। कुछ लोग यहाँ पर हैं, कल उन पर गोली चली उसके बाद उनको फौरन निसारण भर्ती कराया गया और पार्थिव शरीर 5 से 10 मिनट ही घर में रखा गया। क्या परिजनों की सहमति इस बात को लेकर थी, क्योंकि पार्थिव शरीर जब घर आता है तमाम सगे संबंधी होते हैं, अंतिम संस्कार के पहले की भी प्रक्रिया होती है और 5-10 मिनट में प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तो क्या परिवार वाले सहमत थे इतना कम शव रखे जाने से, क्या प्रशासन ने उनसे बातचीत की थी, क्योंकि कानून व्यवस्था का मुद्दा तो है लेकिन जो संवेदनशील होती है या जो भावनाएं होती है वो भी मुद्दा तो है। देखिए पुलिस प्रशासन को इस बात का अंदेशा था कि जब पार्थिव शरीर घर पर लाया जाएगा, जब लोग अंतिम दर्शन देने लगेंगे तो उस वक्त लोग नाराज़ हो सकते हैं, लोगों का गुस्सा फूट सकता है और यही वजह है कि जो पुलिस और प्रशासन के लोग थे वो सुबह से ही लगातार परिवार वालों के संपर्क में थे, परिवार वालों को इस बात का भरोसा दिला रहे थे कि जो भी हमलावर हैं, जो भी इस पूरी घटना में दोषी लोग हैं उनके खिलाफ जाँच पड़ताल चल रही है, जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी कराई जाएगी और जल्द से जल्द उनको उनके खिलाफ सज़ा दिलाई जाएगी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और आज सदन में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया था विधानसभा के अंदर कि जो माफिया हैं, जो लोग इस घटना में शामिल थे उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा, बाकायदा उस सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान की रिकॉर्डिंग जो है वो परिवार वालों को सुनाई गई और एक परिवार वालों को भरोसे में लेकर जो है जो बाकी प्रक्रिया आप जिस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं वो पोस्टमार्टम हाउस में ही अपना ली गई थी। सिर्फ जो परिवार की महिलाएं हैं उन्हें अंतिम दर्शन कराने के लिए यहां पर लाया गया था। तो मुश्किल से
चार से पांच मिनट तक ये पार्थिव शरीर जो है वो घर पर रखा गया था। और घर की तस्वीर एक बार आपको दिखा देते हैं अवधेश। ये देखिए, ये बहुत सकरा सा रास्ता है, मुश्किल से 2 फीट चौड़ी ये गली है। और ये जो सामने का मकान आप देख रहे हैं, उसी मकान में जो है उमेश पाल रहते थे। देखिए, जो तमाम पड़ोस की महिलाएं हैं वो अंतिम दर्शन के बाद वापस लौट रही हैं नम आंखों के बीच। और तमाम आंखों से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आंसू टपक रहा है, किस तरीके से लोग गम में हैं, लोग गुस्से में भी हैं। और लोग ये सवाल भी लोग ये सवाल भी जानना चाहते हैं कि 24 घंटे का वक्त हो गया है, आखिरकार हमलावरों की गिरफ्तारी कब होगी, पुलिस प्रशासन क्या कुछ कर रहा है। और जब आपको बता दें कि पार्थिव शरीर यहां लाया जाना था, उससे कुछ देर पहले ही पुलिस कमिश्नर, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर और साथ साथ जो है डीएम वगैरह मौके पर पहुंचे। देखिए, कुछ लोग हैं भी, बताइए 24 घंटे का वक्त बीत गया, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो गई, क्या चाहते हैं? तो आज अरे सर गिरफ्तारी होना चाहिए सर, उनको सजा भी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार फांसी हो जाए तो अच्छी बात है इस लोगों को, ये तो शासन अपना जिम्मेदारी निभाए, क्योंकि ऐसा अन्याय तो कभी नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो भी लोग घटना में शामिल थे मिट्टी में मिला दिया जाएगा, बहुत सख्त लहजे में बात कही है। आदित्यनाथ जी जो कहें वो अच्छा कहें, लेकिन ऐसा करके दिखाएं, अगर दिखाएं। एक सवाल और भी है जी, अतीक अहमद का नाम सामने आया, आरोप लगाए गए हैं, क्या परिवार को सुरक्षा मिलेगी, सुरक्षा का कोई आश्वासन है? क्योंकि अगर नाम इतना बड़ा है साजिश में, वो तो हालांकि जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन सिक्योरिटी थ्रेट तो है ही परिवार पर। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो परिवार के लोग हैं, देखिए जब राजू पाल की हत्या हुई थी, उमेश पाल उसमें गवाह थे, उसके बाद से ही उनकी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। उनकी सुरक्षा में 2 कांस्टेबल तैनात किए गए थे, दोनों कांस्टेबल 24 घंटे उमेश पाल के साथ रहते थे। उनमें से एक गनर की मौत हो चुकी है और जो दूसरे गनर हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं, उनकी भी हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। तो निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन जो है, अब जो परिवार के बाकी बचे सदस्य हैं वो उनके सुरक्षा के भी इंतजाम करेंगे। और देखिए, बिल्कुल दो बैनर होने के बावजूद ये सब कुछ वाकया हुआ है, तो परिवार का भरोसा कितना होगा इस दी गई सुरक्षा में, ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। आगे बढ़े, जब बात करें प्रयागराज में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, सिविल लाइंस के सुभाष चौराहे पर उनका ये प्रदर्शन सामने आया। सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस में नोकझोंक की खबर है, पुलिस ने कई सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। क्या शांति का माहौल, ऐसे में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस एक्शन में आई। सिविल लाइंस के सुभाष चौक पर सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस मौके पर मौजूद रही, लेकिन वहां कार्यकर्ताओं से इनकी नोकझोंक हुई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।